प्रधानमंत्री कहा जाता था यहां पर, चीफ मिनिस्टर। लेकिन जब से जनसंघ के रूप में, प्रजा परिषद के रूप में, जनता पार्टी के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमने लगातार काम किया और आज भारत की अब सबसे बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ की मेंबरशिप वाली ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी निर्भय मोदी साहब, हमें अपने आप में फख्र है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में आज जो हमारा नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है। आज जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की कूटनीति हो, भारत की आर्थिक नीति हो, भारत की विदेश नीति हो, आज G20 सम्मेलन करके हमने पूरे विश्व को बताया है कि भारत सबसे आगे है, भारत की जो इकॉनमी है वो सबसे आगे बढ़ रही है। आज अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, हमारे देश की ताकत ये है कि वहां से 30,000 हमारे स्टूडेंट्स दूसरे लोग फंसे हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के एक इशारे पर 8 घंटे ये युद्ध बंद रहा, चाहे वो रशिया था चाहे यूक्रेन था। उन्होंने इस युद्ध के दौरान 30,000 लोग यहां पर से पहुंचे। आज भी हमास ने जिस प्रकार से इसराइल पर हमला किया है, आज वहां पर 18,000 लोग हमारा वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन जो ऑपरेशन अजय के माध्यम से 211 लोग कल पहली फ्लाइट से आए, और मुझे यह फख्र होता है वहां हमारे दो सिख नौजवान, चाहे वो प्रदीप दत्ता जी हो चाहे वो गोसिमरन सिंह जी हो, किस प्रकार से उन गोलियों के बीच में जाकर के बमों के बीच में उसको यहां पर कवर कर रहे हैं, ये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। भारत कोई पीछे नहीं है, आने वाला समय भारत का है और भारतीय जनता पार्टी का है। आज इस देश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं उसको जरूरत है, और पूरा देश हमने कांग्रेस मुक्त भारत का 2014 में सपना लिया था, आज कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, कारगिल के युद्ध पर बड़ा खुश हो, कारगिल के इस चुनाव पर बड़ा खुश हो रहे हैं। 2013 में हमें सिर्फ 671 वोट मिले थे, 2018 में उन वोटों को बढ़ाकर हमने 2571 किया, आज 11,000 वोट हमें मिले हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं पार्टियों से जो परसों बड़ी खुशी मना रही थी कि 1984 में जब इंदिरा गांधी ने उसकी मृत्यु हुई थी, तब वो सिंपति वेव में उन्होंने 400 सीटें ली थी, लेकिन आज कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती। 1984 में हम दो थे और आज हम सरकार बना करके बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी 50+ का जो नारा हमने दिया है, आज पहाड़ी लोग हो, आज यहाँ पर गुजर समाज हो, आज यहाँ पर वाल्मीकि लोग हो, उनको SC का दर्जा दिया, उनको यहाँ बच्चे PhD कर जाते थे लेकिन यहाँ पर उनको इंसान नहीं मिलता था। आज वो गोरखा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, वेस्ट पाकिस्तान में भी हो, सभी को अधिकार मिले हैं, गुजर हो समाज हो या पहाड़ी समाज हो, भारतीय जनता पार्टी सभी को लेकर के चलने वाली पार्टी। आज मैं अपने सभी साथियों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में हमारा का नेतृत्व स्वीकार किया, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं ये एक ऐसी पार्टी है जो सभी को साथ में लेकर के जाती है। आज उन पार्टियों को जो सरकारों में रही है उनको इकट्ठे होने का जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का डर उन्हें सता रहा है, इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं, कभी गुपकार के नाम से कभी दूसरे नाम से। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज भी जब ये परसों उन्होंने एक प्रोग्राम किया, वहां पर फारूक अब्दुल्ला नहीं आए, वहां पर PDP नहीं आई, क्योंकि यही लोग जिम्मेवार थे महाराजा हरि सिंह जी को यहां से निकालने वाले। शर्माती हमके नेतृत्व में इनको आने को, ये झूठा जम्मू के साथ दिखावा करते हैं। मैं अपने सभी साथियों को यहां पर स्वागत करता हूं, लालवा जी का धन्यवाद करता हूं, बलविंदर सिंह जी, हमारे अभिजीत दसोटिया जी जिनके काम से ये, JD सिंह जी जिनके नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है। हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे, कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, इस राष्ट्र निर्माण में हमारा भी रोल होगा। एक बार फिर से आपका ये कहते हुए, दिल तो क्या है हम रूह तक उतर जाएंगे, क्योंकि आपने क्या है हमें चाहने वाले।